बरनावा के लाक्षाग्रह गुरुकुल में शिक्षक अभिभावक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजन में गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने संस्कृत में स्वागत गीत, गुरु भक्ति, देशभक्ति गीत, काव्य पाठ, संगीत की मधुर धुनों पर ईष्ट भक्ति से ओतप्रोत भजन प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध किया। मयंक त्यागी, अर्जुन दीक्षित, वेदांत शांतनु, अंश, ईशान आदि ब्रह्मचारियों ने योगासनों की श्रृंखला प्रस्तुत कर आश्चर्यचकित किया। बुंदेलखंड सर, आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम आचार्य अरविंद कुमार, मैं प्रधानाचार्य हूँ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में, अभी यहाँ सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, जो है लक्ष्यगृह पे बच्चों का क्या कार्यक्रम था जो? आज हमने मानस बनाया कि बच्चों के अभिभावकों के साथ मिलकर के संवाद किया जाए, जिससे बच्चों को भविष्य में और अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्येता या उनमें जो त्रुटियां हैं, हमने जो उनको अभी नए प्रवेश हुए थे बालकों के 20 दिन में, 25 दिन में या एक महीने में, 1 अप्रैल के बाद जो प्रवेश हुए थे नए, तो उनको हमने जो शिक्षा दी थी गुरुकुल में, तो उनके साथ यही व्यवस्था की है कि अभी 40 दिन की छुट्टी हो जाएगी 20 तारीख के बाद में, तो घर में जा कर के इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1 जुलाई में ये लौट करके आएंगे, तो जो हमने इनको बनाया है, जो दिया है या होमवर्क हमने दिया है, उस सब को करके लेके आए हैं विद्यालय में, जिससे आने वाले जुलाई के अंतिम सप्ताह में इनकी परीक्षा भी हो सके और शिविर लग सके। और इनको इसीलिए बुलाया था कि बच्चे बच्चे होते हैं, कच्चे घड़े के समान होते हैं, जब तक बार बार उन पर ध्यान नहीं रखा जाता तो वे भूल जाते हैं। कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं? अभी 142 बच्चे विद्यालय में लगभग हैं और प्रवेश चल रहे हैं अभी। किसकी जगह के हैं बच्चे? अपने उत्तर प्रदेश के तो हैं ही तमाम जनपदों के, लेकिन हरियाणा के बच्चे भी हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, आपके नेपाल के बच्चे तो अभी नहीं हैं, पहले दिल्ली से बच्चे हैं, पहले नेपाल से भी थे, और मध्य प्रदेश से बच्चे हैं, तो इस प्रकार से विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं, विभिन्न जनपदों के तो हैं ही हैं, और विभिन्न समुदायों के बच्चे भी हैं। यहाँ केवल किसी मत, पंथ, धर्म, जाति का कोई बच्चा ऐसा नहीं कि लिया जाता हो, यहाँ सब के लिए ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है वेद का ज्ञान, तो सबके लिए यहाँ ये शिक्षा अनिवार्य रूप से सबके लिए ग्राह्य है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। और यहाँ तो ये विद्यालय